एक बात कहना चाहता हूँ सबके बीच में, पूछ हो जाए चाहे मेरा घर कट जाए, लेकिन बस्ती की इस पंचायत में आपकी पगड़ी का सम्मान कभी झुकने नहीं दूंगा, पूरे बस्ती का मैं सम्मान रखूंगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम व यूथ आइकॉन समझे जाने वाले सचिन पायलट भवानी खेड़ा हलके में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप नरवाल के समर्थन में गांव बरसी पहुंचे। पूर्व डिप्टी सीएम ने जनसभा को संबोधित किया और प्रदीप नरवाल को जीत का आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने कहा कि जनसभा में उमड़े विशाल जन समूह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम भवानी खेड़ा में एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार में सिर्फ धुआं ही धुआं निकलने का आरोप लगाते हुए कहा कि विकास ही इतना हो रहा था तो सीएम क्यों बदलना पड़ा। पूर्व डिप्टी सीएम ने भवानी खेड़ा के देवतुल्य जनता का दिल से आभार जताते हुए कहा कि तालियों से काम नहीं चलेगा बल्कि 5 अक्टूबर को एक एक वोट प्रदीप नरवाल के लिए डलवाना होगा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप नरवाल ने यहां पहुंचने पर सचिन पायलट का आभार जताया व बरसी गांव की पगड़ी का सदा मान देने का वादा भी किया। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बता दो। सचिन पायलट, 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 तालियां बजाकर अपने नेता का स्वागत करें भाई, सारे खड़े होकर, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। एक बात कहना चाहता हूँ सबके बीच में, कुछ हो जाए चाहे मेरा घर कट जाए, लेकिन बस्ती की इस पंचायत में आपकी पगड़ी का सम्मान कभी झुकने नहीं दूंगा, पूरे बस्ती का मैं सम्मान रखूंगा। मैं धन्यवाद करता हूँ सचिन पायलट जी का। आपके आशीर्वाद से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी ने, जिन्हें इस विधानसभा चुनाव में भवानी खेड़ा का लाल बना के भेजा है, आप सबके चाहते उम्मीदवार भाई प्रदीप नरवाल जी। और सारी बातें भूलकर हमें अपना हित देखना है, हमें अपने वर्तमान की, भविष्यों की, बच्चों की सुरक्षा की बात करनी है। हमने कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया है उसको लागू करवाना है, तो हमें अपना वोट हाथ के निशान पर बटन दबाकर प्रदीप जी को देना। जल्द ही मिलेंगे एक नई खबर के साथ। और हाँ, आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो करना ना भूलें।